अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और प्रैक्टिकल वीडियो लेके आपके सामने मैं आया हूँ। मेरा नाम शबीर अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दोस्तों। ये हमारे पास डबल डोर का डिजिटर है, हायर कंपनी का है। इसका हम डेंटिंग का भी काम करेंगे और पेंटिंग का भी काम करेंगे। आप ये देख सकते हैं कि इसकी कंडीशन कितनी रफ है, कलर जगह से भरा हुआ है और जगह जगह पे रंग लगा हुआ है। और ये नीचे वाली साइड से यहाँ से ये गला हुआ पीस गल गया। इसका पीस पहले हम लगाएंगे और उसके बाद से कलर काम करेंगे। आप ये देख सकते हैं कि कितनी मेहनत से हम इसका कलर उतार रहे हैं। कलर बहुत ही कंपनी का पक्का होता है, ओरिजिनल कलर होता है। अब हम हीट गन की वजह से इसको गर्माइश दे के आस्ते आस्ते उतार रहे हैं, क्योंकि जब तक इसका कलर नहीं उतरेगा तो दूसरा कलर इस पर सही नहीं हो सकता। हीट गन से हीट दे के स्क्रैबर की मदद से इसको हमने आहिस्ता आहिस्ता उतारा है। आप देख सकते हैं कि पूरा डिफ्यूज़र में कलर उतारने में कितनी मेहनत हुई होगी। अब इसकी जो साइडें गली हुई थी उसे हमने पीस बनवा के इस पर लगा रहे हैं। पीस आप इसके लोहे के या स्टील के आप खुद भी बना सकते हैं, नहीं तो डेंटर आपको नाप लेके जाएंगे, आपको बना के दे देते हैं। पीस बनाने के बाद इसमें हमने लापी पोलीगेट करके उसके बाद इसका कलर का काम करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि नीचे साइड से भी ये गला होता है, यहाँ से लेके ऊपर तक हमने पीस लगाया है, ये आप देख सकते हैं। कलर तकरीबन सब इसका उतर चुका है। पीस को हम रगमाल से सफाई करेंगे। थोड़ी सी मेहनत होती है दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि हमने कितनी मेहनत की होगी और कितना इस पर टाइम लगा होगा, क्योंकि मेहनत में ही अजमत है दोस्तों। कंपनी जो कलर करती है उनका तो अपना हिसाब किताब है, हम उस जैसा काम तो नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं। अभी देखें कितनी हमने इसमें मेहनत की है। एक दरवाज़ा था, इसको हमने कितना रगड़ा और ये आप देख सकते हैं कितना हार्ड रंग है, कितना पक्का रंग है। क्योंकि ये थोड़ा बहुत भी रह गया तो उसमें फिर फिनिशिंग नहीं आएगी रंग में। हमने एक कोशिश की है कि चलो कुछ काम को जितना हो सके इंसान कोशिश करे काम को इम्प्रूव करने की। इस पर अब हमने पॉलीगेट भी लगा दी है और कोशिश की दोस्तों मैंने कि जितना हो सके वीडियो शार्ट बने, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपका टाइम बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगा। ये आप देख सकते हैं कि पूरा हमने इसका कलर फ्रंट सेट बैक सेट बिल्कुल कलर इसको उतार दिया। बहुत इसमें हमारी मेहनत हुई कि ताकि कलर में फिनिशिंग आए। ये एक दरवाज़ा इसका ठीक था, दूसरा दरवाज़ा इसका जो गला होता। अभी हम ये कलर है इसके साथ मैचिंग करवा के बनवा के लाए थे, अब इसको बोतल में डाल लेंगे और फिर उसके बाद हमने आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से हम कलर कर रहे हैं। अब कलर करने का हर बंदे का अपना तरीके, मशीन होती है परशे वाली उससे भी करते हैं। हमने एक सादा तरीका आपको दिखाएंगे कि हम किस तरह सादे तरीके से कलर कर रहे हैं। अब ये डब्बी में कलर थोड़ा बच गया था तो ज़ाया ना हो लिहाजा हमने पेट्रोल डाल के उसको भी बोतल में डाल दिया है, हमारा कलर ताकि बिल्कुल भी ज़ाया ना हो और ताकि पूरा भी हो सके कलर। इसको हमने ऑयल पेंट से इसको हम कलर करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि एक कंप्रेसर के साथ हमने रेफ्रिजरेंट गैस की टंकी है, इसका हमने सिस्टम बनाया है। एक सादा सिस्टम आप देख सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से बनाया है और ये आप भी कर सकते हैं, कोई इतना इसमें बड़ा इशू नहीं है। वरना टंकी इसकी रखनी पड़ती है, वो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, ना इतनी जगह होती है। कलर इसका हमने छान लिया था, अब इसके दरवाज़े खोलने लाजमी है वरना दरवाज़ों पे भी इस पर कलर लग जाएगा। स्क्रू खोल के इसमें लॉक होता है, थोड़ा सा उसको ऊपर उठाएँगे तो ये दरवाज़े निकल जाएंगे। ये हायर कंपनी का डिफ्यूज़र है, हर कंपनी का अपना सिस्टम होता है।
इसके स्क्रू हमने खोलनी है, एक दरवाज़ा निकल गया है, दूसरा भी हम इसको निकाल देंगे और उसकी सफाई करके अभी हम कलर का काम शुरू कर दिया हमने। ये आप देख सकते हैं कि ये कलर की गन है, यानी कि हमारे पास सिर्फ तीन चीज़ों से काम हो रहा है, कलर की गन, कंप्रेसर और टैंकी। वही आम टैंकी को हमने पाइप लगा के फिटिंग बना के और उसी को इस्तेमाल कर रहे हैं। कंप्रेसर को चला दिया है, उससे प्रेशर बन रहा है और आगे हम हसबे दूध इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। कलर को बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता ध्यान ध्यान से करना होता है, बिल्कुल कलर अच्छे तरीके से कलर हो रहा है हमारा। ये आप वीडियो मुकम्मल देखेंगे तो आपको मुकम्मल कलर करने का तरीका भी समझ आ जाएगा और आप देखेंगे कि वाकई कितनी मेहनत से हमने इस डिफ्यूज़र को कलर किया है। और जो पहले किस्सा था शुरू में डिफ्यूज़र, वो बनने के बाद आप देखेंगे कि किस्सा था, जितनी हो सकी हमने कोशिश की है इसमें फिनिशिंग लाने की। बैक साइड इसकी तकरीबन कलर हो गई है, अब ये साइड वाली एक साइड है, इसको हम कलर कर लेंगे। दोस्तों ये देख सकते हैं कि कितनी इसमें मेहनत हो रही है हमने। अब ये इसकी सामने वाली साइड है, इसको हम कलर कर देंगे। दोस्तों कितनी मेहनत से आपके लिए मैं प्रैक्टिकल वीडियो बना के लाता हूँ, सारी मेरी जितनी वीडियो हैं सब प्रैक्टिकल हैं और आप देख सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि हमारी मेहनत जाया ना हो और हौसला अफजाई हो सके हमारी। दोस्तों वीडियो आप मुकम्मल देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि कितनी मेहनत से वीडियो भी बनाई है और कलर भी किया है। क्योंकि दोस्तों हमारा काम ऐसा है कि इसमें जितने भी मेहनत करें कम है। हर टेक्नीशियन अपने काम को इम्प्रूव करने की कोशिश करे क्योंकि इम्प्रूव करने की गुंजाइश होती है। अब इसकी तीन साइडें कलर हो चुकी हैं, चौथी साइड है, ये मुदस्सर भाई हमारे कलर कर रहे हैं। इन्होंने बहुत मेहनत की है इस डिफ्यूज़र में, पहले उतारा है फिर रेगमाल सफाई की है, अब इसको कलर कर रहे हैं। तो मुदस्सर भाई की इसमें बहुत मेहनत हुई है, तो इसका वीडियो का लाइक तो बनना चाहिए। दोस्तों कोशिश किए कलर अच्छा करने की, अब कंपनी जैसा काम तो हम कर नहीं सकते हैं लेकिन जितना हो सका काम को अच्छा करने की कोशिश किए। पहले तो बिल्कुल ही गला हुआ था डिफ्यूज़र और अभी देखने के लायक है। दोस्तों ये सिखाने के लिए एक छोटी सी वीडियो बनाई है, ये हमने इस तरह कलर करते हैं, ये एक हमारी कोशिश थी। ये फाइनल इसकी फिनिशिंग हो रही है, एक कोड हो चुका है, अब इस पर दूसरा कोड हम कर रहे हैं। तकरीबन ये फाइनल मरले में दाखिल हो चुकी है। कलर में हसबे जूत हमने पेट्रोल मिक्स किया था, आप भी पेट्रोल मिक्स करें या थिनर मिक्स करें जैसे आपको बेहतर लगे, हर टेक्नीशियन का अपना तरीकाकार है। ये आप देख सकते हैं कि कुछ बेहतर आपको नज़र आ रही है। पहले शुरू में आप जो देखेंगे इस डिफ्यूज़र जब आई थी उसकी क्या कंडीशन थी, अभी क्या है, बिल्कुल ज़बरदस्त बन गई। सामने की साइड है, ये साइड वाली जगह होगी, इस तरह चारों साइड हैं इसकी ज़बरदस्त हो गई है। अब इसकी नीचे वाली व्हील वाली साइड है, यहाँ पे भी हमने पीस पूरा लगाया था, एल टेप पीस बना के लगाया था, तो यहाँ पे भी कलर लाजमी है। कलर से इसकी लाइफ बढ़ जाती है। अब इसका एक दरवाज़ा ठीक था और एक था उसमें जंग था, जंग आलू था, उसको हम कलर कर लेंगे।
कलर करने के बाद आपको फाइनल दिखाते हैं कि आपको इंशाल्लाह ये पसंद आएगी, ये कोशिश हमने की है ये आपको पसंद आएगी। दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि अब हमारे फाइनल बिल्कुल हो चुका है, डिफ्यूज़र आपके सामने और अच्छा लुक लग रहा है। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कर दिए गए ताकि हमारी कोशिश रहेगा ना जाए। दोस्तों वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।